जरा सोचें, यदि इस एक बाल्टी पानी को धरती का सारा पानी मान तो यह एक ग्लास पानी स्वच्छ जल है और उसमें से यह एक कप पानी ऐसा है जिसे हम काम में ले सकते हैं। क्या आप जानते हैं सिर्फ इतना पानी ही पूरी धरती पर सभी तरह के जीवन के लिए पर्याप्त है। फिर भी पूरी दुनिया में 10 में से 9 लोग स्वच्छ पेयजल के लिए संघर्षरत हैं। ऐसा क्यों? इसका एक बड़ा कारण है जल प्रबंधन का अभाव। पर आज हम ऐसे कारण की बात करेंगे जो हमारे आसपास की हर चीज में है पर हम उसे देख नहीं पाते। हम बात कर रहे हैं वर्चुअल वाटर की, यानी वह पानी जो हमें दिखाई नहीं देता है किंतु हर सामग्री को बनाने में काम जरूर आता है। जैसे सुबह की कॉफी बेशक 125 मिलीलीटर पानी दिखाई पड़ती है, पर इस कॉफी को उगाने से लेकर हमारे कप तक पहुंचने में प्रति कप 140 लीटर पानी खर्च होता है। चौंक गए ना? चलिए इसे आसान शब्दों में समझते हैं। अनाज उगाने से लेकर सामान बनाने तक बहुत सारा पानी खर्च होता है जो हमें अंतिम उत्पाद के रूप में दिखाई देता है। हम जब यह सामान बाजार से खरीदने जाते हैं तो उस पर लिखे मूल्य के आधार पर वस्तु को खरीद लेते हैं, पर उसे बनाने में कितना पानी खर्च हुआ है यह उस सामग्री पर कहीं इंगित नहीं होता है। मसलन 1 किलो आलू उगाने के लिए 287 लीटर पानी की आवश्यकता होती है, 1782 लीटर पानी की खपत हो जाती है 1 किलो शक्कर के उत्पादन में, 2497 लीटर पानी की आवश्यकता होती है 1 किलो चावल उत्पादन में, एक छोटी कार बनाने के लिए भी 62500 लीटर पानी उपयोग में लिया जाता है, और तो और एक पिज्जा को हमारी थाली तक पहुंचने में भी 1259 लीटर पानी से होकर गुजरना पड़ता है। यह वर्चुअल वाटर किसी भी वस्तु के लिए उसकी वर्चुअल वाटर फुटप्रिंट के नाम से जानी जाती है। यदि हमारे देश की वाटर फुटप्रिंट्स की बात करें तो यह प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 3000 लीटर की है। वहीं विकसित देशों जैसे कि संयुक्त राज्य अमेरिका में 7800 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन है। हमारा देश दुनिया के कई बड़े निर्यातक देशों में से एक है जो हमारी अर्थव्यवस्था और विकास रथ का पहिया भी है, किंतु यहाँ हमें ये देखना होगा कि कहीं हम वस्तुओं के निर्यात के साथ साथ हमारे सीमित स्वच्छ जल स्रोतों पर अधिक दबाव तो नहीं बना रहे हैं। वर्चुअल वाटर फुटप्रिंट्स का दबाव हमारे पेयजल स्रोतों जैसे नदियों, तालाबों, भूजल पर पड़ता है। क्या आप जानते हैं पूरी दुनिया का 24% भूजल दोहन हमारा देश करता है। हमारे देश की स्वच्छ जल की जरूरत व वस्तुओं का निर्माण व निर्यात दोनों हमारी उन्नति के लिए आवश्यक है, पर आवश्यकता है कि दोनों समान गति से चलते रहें। अब सवाल उठता है, हम क्या कर सकते हैं? उपभोक्ता के तौर पर अगली बार आप कोई वस्तु खरीदें तो उसकी लागत रुपए से नहीं बल्कि उस वस्तु को बनाने में काम में आने वाले पानी से करें। इससे आप आवश्यक सामग्री ही खरीदेंगे और देश के संसाधनों और आपका धन दोनों संचित रह सकेंगे। वस्तु निर्माता कंपनियों पर वाटर रिसाइकलिंग, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाने हेतु दबाव बनाएं, जिससे कि जल को उत्पादन हेतु पुनः काम में लिया जा सके। एक जिम्मेदार नागरिक के तौर पर वर्षा जल संरक्षण करें जिससे कि आवश्यकताओं के अनुरूप देश में उपयोग और उपभोग के लिए जल सदैव उपलब्ध रहे। कृषि उत्पादों के लिए सिंचाई हेतु उन्नत तकनीक का प्रयोग करें जैसे कि बूंद बूंद सिंचाई पद्धति। याद रखें, देश के हर व्यक्ति तक स्वच्छ जल सुनिश्चित करना हमारा अधिकार भी है और हमारा कर्तव्य भी।